चलो बाय बाय ठीक है। आज पीटर के ऊपर हम प्रैंक करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ? ये इधर पे। ये क्या है? एक सेकंड। क्या है यहाँ पे? ये तुम चोट लग रहा है मुझे। ये क्या कहाँ क्या है? रुक जा। अरे सुनो सुनो। नहीं मुझे नहीं सुनना। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? मुझे यहाँ नहीं जाना। किस लिए? तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या हुआ? रो रहे हो तुम? I have done so things for you। मैंने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए। Hey friends, good morning and welcome back to our another video। और guys, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि पीटर के ऊपर प्रैंक करो, पीटर के ऊपर प्रैंक करो, और हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज पीटर के ऊपर हम प्रैंक करेंगे, और मैं भी पीटर को उठाने वाला हूँ। पीटर का आज शूट है, दो तीन घंटे का ही शूट है उसका पास ही में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम का फायदा उठाया जाए। घर पर मैं अकेले रहूंगा, तो इसीलिए मैं सोचा उसके ऊपर प्रैंक किया जाए। एक्चुअली उसके लिए पहले कॉफी बनाते हैं, उसके बाद उसको उठाते हैं, फिर कुछ ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद उसको भगा देंगे, मतलब शूट पे चला जाएगा, और फिर स्टार्ट होगा हमारा प्रैंक। तो गाइस कॉफी तैयार है। बाबा बाबा एक बज रहे। एक इतने बजे तो मुझे जाना है। हाँ पता है तुम्हारा शूट है। एक्चुअली 11 बज रहा है। उठ जाओ कॉफ़ी पी लो, आज बहुत काम है तुम्हारा, शूट पे जाना है। चलिए गाइस जब तक ये उठता है कॉफ़ी पीता है, उसके बाद मैं शूट करता हूँ। तो गाइस पीटर फ्रेश हो चुका है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो बहुत दिन हमने सोचा कि क्या बनाया जाए। तो उसके बाद मैंने आइडिया दिया। एक्चुअली पीटर बोल कुछ नहीं करते, तो मैंने आइडिया दिया कि हम लोग दलिया बनाते हैं। इसके लिए मैं भी शॉपिंग करने में हेल्प कर रहा हूँ पीटर का। मैं जा रहा हूँ फ्रिज से गाजर लेके आने के लिए। क्या क्या लेके आना है? गाजर और कैरेट्स लेके आ जाओ, और देखो क्या है फ्रिज में जो मिलेगा तुमको। फ्रिज तो पूरा खाली है गाइस, हम गरीब हो चुके हैं। देखिए अभी इसको रोस्ट कर रहा है और मैं ये लेके आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस शॉप करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हमारा दलिया बन चुका है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, निकलना भी है तुम्हें ना शूट में। मेरे शूट में जाने से तुमको क्या मतलब है? मैं जाऊंगा, तुम यहाँ रहोगे, तुम काम वाम जो करोगे करोगे। नहीं, मैं जाएगा वो थोड़ा देर के लिए, मैं वापस भी आ जाऊंगा भी अभी। नहीं मेरा मतलब ये मतलब काम है ना, तो जल्दी जाओगे तो जल्दी वापस आ पाओगे। ठीक है, मेरा कॉल टाइम में भी टाइम लगेगा गाइस। अभी कॉल टाइम में आधा घंटे एक घंटा बाकी है, सो पास में ही है, ज्यादा काम भी नहीं है मेरा। बस मैं सोचा थोड़ा घर से भी घूम के आ जाऊँ उस टाइम में। क्यों? मतलब तुम नहीं रहोगे, मैं अकेले करके क्या करूंगा। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा घर से घूम के आऊँ, एक फ्रेंड से मिलना था, फिर मतलब घर के पास एक फ्रेंड है ना, उससे मिलना था। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम मुझे आने के बाद फोन करना फिर। तो देखते हैं, अभी प्लान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि घर जाऊंगा, थोड़ा घर से घूम के आऊंगा, कोई नहीं रहेगा तो घर पे क्या करूंगा। पहले खाना ले लेते, खाना खा लेते, उसके बाद देखते हैं। तुम्हारा काम में जाने का मन नहीं है क्या? मन तो है कि मुझसे पैसे आते हैं, मतलब मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, उससे पैसे आते हैं। धूप भी है बाहर बहुत ज्यादा। धूप है लेकिन ज्यादा काम नहीं है, बस एक ही मतलब मॉडल एक ही है, उसको बस लहंगा पहनाना है, उसको कुछ ब्राइडल शूट है, बस मैं पहनाऊंगा अच्छे से, प्रेप करके आ जाऊंगा। तो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है, देख सकते हो आप लोग कितना सादा एक ओट्स बनाया, इसमें मसाला है कुछ भी नहीं डाला। ओट्स सॉरी, ये दलिया। इतना सफेद क्यों है ये? ऐसा लग रहा बीमार की खिचड़ी है। क्योंकि इसमें हल्दी नहीं है और लाल मिर्च भी नहीं है, इसीलिए इसमें घी दिया हुआ है गाइस। टेस्टी तो है, बस मुझे ऐसा खाना पसंद ही है। चलिए गाइस खा के मिलते हैं, पीटर भी चला जाएगा, मेरे पे बहुत काम है तो मैं खा के मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस पीटर फाइनली रेडी होने गया है उस रूम में, वो शूट में जाने के लिए तैयार है, और मैं भी तो रेडी हो गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ तुम? देखो गाइस पीटर रेडी हो चुका है, देखो कैसा लग रहा है, कम्फर्टेबल, अच्छा लग रहा है। सनस्क्रीन भी लगा लेना, धूप बहुत ज्यादा है। सनस्क्रीन मैं लगा चुका हूँ, मुझे बोलो कि ये जा रहा है ना, ठीक है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, जा रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, ये पूरा ओवरऑल लुक जा रहा है ना। हाँ ओवरऑल लुक, यू आर लुकिंग गुड ओवरऑल, क्योंकि यू नो कि मैं जा रहा हूँ स्टाइलिंग के लिए, खुद का स्टाइलिंग। नहीं नहीं, यू आर लुकिंग गुड। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों से अभी पीटर चला जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। फाइनली पीटर रेडी हो चुका है गाइस, और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल रेडी है, शू भी पहन चुका है, वो जस्ट वहाँ पे लास्ट एक बार खुद को दिखने गया है। चलो मैं चलता हूँ। ओके मैंने अपना फोन ले लिया है, पर्स ले लिया है, एंड मैंने शू पहन लिया है। चलो बाय बाय।
बाय, अच्छे से जाना, रोड देख के क्रॉस करना और तुम रास्ते से जाकर कैब ले लेना। ठीक है, तुम मुझे फोन करते रहना। आई विल कॉल यू। चलो बाय। जाओ बेटा। खड़ा है गाइस, अभी भी यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहा है, वो लिफ्ट के लिए वेट कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चला गया। रुको, लिफ्ट नीचे उतने तक मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। हाँ, लिफ्ट नीचे जा रहा है। चला गया गया गाइस, वो गया फाइनली। अब मैं अपने प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा। बहुत टाइम है मेरे हाथ में अभी तक, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं गया है, फिर भी मतलब 2-4 घंटे जो भी हो, 4 घंटे जो भी हो, तो वो भी बहुत सारा टाइम है मेरे लिए वो सब प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं तब तक सोचूंगा कि मैं कैसे लव बाइट बनाऊंगा, और फिर मुझे सोचना है कि मैं कितना ज़्यादा रियल दिखा सकता हूँ चीज़ों को। कुछ ऐसे मैंने प्लान किया था ऑलरेडी कल रात से कि कैसे मैं चीज़ों को यहाँ वहाँ सेट करूँगा, बिखरूंगा, ताकि उसको लगे कि हाँ मतलब रियल में हुआ है ये सब कुछ, रियल में गया। यहाँ जा रहा है, नीचे रहा, यहाँ पीछे मुड़ के एक बार भी देख भी नहीं रहा है, बिल्कुल प्यार नहीं करता है मुझसे। देखो फ़ोन यूज़ करते करते चला जा रहा है, कैब शायद बुक कर रहा है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर, मुझे घर जाना है, घर जाके मुझे लंच करके आना है। तो जब तक मैं लंच करने जाऊँगा उसके बाद, तब तक वो आराम से आएगा, फिर आके मैं सेट करूँगा। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से फिर बाद में। चलिए, मज़ा बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आप लोगों ने बहुत बार बोला कि प्रैंक करो पीटर के ऊपर, फाइनली कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना हम नेक्स्ट टाइम से प्रैंक नहीं करेंगे गाइस, गाइस सच बोल रहा हूँ मैं। आप लोग अगर अच्छे से लाइक भी नहीं करोगे तो कमेंट करना, और अपने दोस्तों को टैग जरूर करना है, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिले, हम और भी प्रैंक बना पाए। चलिए चलिए मिलते हैं। तो गाइस पीटर ने मुझे अभी फ़ोन किया था कि वो निकल चुका है, और साथ ही साथ मेरा लंच हो चुका है, और मैं कुछ मैंने अलग कपड़े पहन लिए हैं, जो मैंने पहले पहन के थे उससे अलग कपड़े पहने हैं, ताकि उसको थोड़ा सा दिमाग में कुछ थोड़ा सा शक आ जाए कि मतलब नहीं अभी आ सकता है, बट फिर भी मैंने मेरे तरफ से मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा अलग दिखे सब कुछ। तो मैं अभी वो मुझे फ़ोन किया था कि वो निकल रहा है, जस्ट निकलेगा, मतलब 5 मिनट में निकल जाएगा। तो मुझे तैयार करना है लव बाइट। तो मैंने देखा था इसमें कुछ, मैं यूट्यूब में देख रहा था कुछ बॉटल से वो लोग कर रहे थे, तो मेरे पास एक बॉटल है, मैं उस बॉटल से ट्राई करूँगा कितना होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स ट्राई। भी नहीं हो रहा है गाइस, बॉटल से होता है। यूट्यूब में मैंने देखा था कि लोग बॉटल से कर रहे थे, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेट मी ट्राई वन लास्ट टाइम, उसके बाद में कुछ और सोचूंगा। नो, नॉट वर्किंग गाइस। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा प्लान, ये एक लिप लाइनर, इससे मैं ट्राई करूंगा। कहाँ पे देते हैं लोग लव बाइट यूजुअली, इस जगह पे आई गेस। लेट्स सी, लव बाइट कम लग रहा है, किसी ने मुझे नोच दिया है। आई थिंक लव बाइट थोड़ा ब्लैक भी होता है उसमें। रुको, मैं हल्का कर देता हूँ, आई गेस ये अब ठीक है शायद, है ना, व्हाट डू थिंक। थोड़ा कम दिख रहा है क्या गाइस, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, कहीं उसको दिख ही ना। तो पता नहीं मुझे क्या होगा गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि वो गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। और भी एक चीज़ का डर लग रहा है कि उसको पता कर चल गया कि ये तो फेक है पहले ही में, फिर तो पूरा प्रैंक ही बर्बाद हो जाएगा मेरा। आई ट्राई माई बेस्ट, आप लोगों ने इतना बार बोला है, और मैंने कहीं ना कहीं खुद में ही आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि प्रैंक तो मैं ज़रूर करूँगा। लेट्स सी, पहले उसको मैं फ़ोन करता हूँ एक बार। तो गाइस मेरे पास ये 2 ग्लासेस है, मैं 2 ग्लासेस को यहाँ पे साइड में रखूँगा पहले। और मेरे पास है ये एयरफोन, जो एयरफोन मैं घर से लेके आया हूँ, पीटर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इसको रख दूंगा ताकि लगेगा कि ये जो हेडफोन कहाँ से आया घर पे, इसको मैं यहीं पे आसपास बेड के आसपास कहीं पे फेंक दूंगा। और मेरे पास कुछ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। और गाइस मैं इसी के साथ रूम में इसको फेंक के रखूंगा, और इसके बारे में जिसको पता है उसको पता है, ये डिस्पोज है, इसमें क्या डिस्पोज करते हैं जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता है, तो मैं इसलिए इसको रूम में भी कहीं पे फेंक के रखूंगा। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं। तो मैं इसको रूम में कहाँ पे फेंकूँ मैं वो तो देख रहा हूँ, ऐसे शायद यहाँ पे साइड में फेंक दूंगा। हाँ नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए गाइस आने से पहले, उसके आने से पहले मैं रूम को एक बार फिर से देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं आसपास, फिर उसके बाद मैं रेडी करता हूँ, फिर उसको मैं फिर ब्लॉक करता हूँ। गाइस मैंने उसको देखा अंदर आते हुए, मुझे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं फर्स्ट टाइम उसके ऊपर प्रैंक कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ। मैंने अब इसको देखा नीचे से अंदर आते हुए, 2 मिनट में ऊपर आ जाएगा,
मैं बहुत सारा नर्वस हूँ गाइस, आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने कभी इसके ऊपर जिंदगी में ऐसा प्रैंक नहीं किया, कभी नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए घबराया हुआ, मेरा हार्ट बीट आप अगर कहा सुन पाते, मेरा हार्ट बीट लाइक लिटरली बीटिंग लाइक यू नो बाहर आ जाएगा फट के। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ, 2 मिनट में शायद वो आ जाएगा। लेट मी सी गाइस, बेल बजा है वो बाहर है, रुकिए मैं इसको दिखाता फिर से। बेल बजा रहा है, वेट। कुछ नहीं, वो मॉडल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो उसका साइज के कपड़े नहीं थे तो उसमें बहुत ज्यादा यू नो टकिंग करना पड़ा, फिर बहुत ज्यादा स्टिचिंग करना पड़ा, फिर वो परफेक्टली आया, फिर शूट हुआ एंड एवरीथिंग, बट हो गया अच्छे से। अभी भी चल रहा शूट में आ गया बस। क्या खाया तुमने लंच में? एज यूजुअल जो मैं खाता हूँ लंच में, बर्गर। घर गए थे तुम? हाँ। तुम घर जाके घर से खाना वाला लेके आए हो? अरे गर्मी है बहुत ज्यादा, वो होता है ना रूम में स्मेल आ जाता है रूम में, तो इसलिए मैंने उसको खोल के रखा है। आपका खाना वाना क्या क्या होगा? क्या तुम बनाओगे? जो बनाओगे। I'm tired बाबा, मैं tired हूँ guys, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी कुछ करने के लिए। जब फ्रेश हो जाओ। मैं सुबह से ऑफिस कर रहा था पता है, तो सुबह से एक सेकेंड क्या हुआ? जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, जाओ जाकर। रुको रुको, ये हेडफोन किसका है? अरे ये मैं घर से लेकर आया। किसके घर पे तुम्हारा ये हेडफोन? कब मैंने किसी के पास तो देखा नहीं है। ये मम्मी का पुराना हेडफोन है ये। ओह शिट, ओ सब कुछ यहाँ पे कुछ वो लग रहा है कि कुछ पार्टी हुआ है। पार्टी कैसे होगा? ये ग्लासेस, वाइन ग्लासेस है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों? मैं पानी पीने के लिए आया था, तो मैं एक लेके आया था, उसके बाद दोबारा दूसरा लेके आया, फिर भूल गया कि दो लेके आया एक्चुअली। तो बॉटल तो है तुम्हारे पास ना? अब मैं एक्चुअली ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ना इसको, तुम जाओ चेंज फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो जाओ। अरे मैं हेडफोन तुम्हारे लिए लेके आया मम्मी के पास से। गाइस मुझे लग रहा है उसको थोड़ा थोड़ा वो मिला है, इसलिए दरवाजा इतना जोर से बंद किया, थोड़ा सा उसको कुछ कुछ वो हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। एनीवे अभी तक लव बाइट नोटिस नहीं किया। ये थोड़ा सारा लाइट है क्या? मैं थोड़ा सा को डार्क कर लूँ। वेट, मैं थोड़ा उसको डार्क करके जब तक वो चेंज कर रहा है। तो गाइस मैंने उसको डार्क कर लिया थोड़ा सा, आई थिंक अब थोड़ा उसको दिख ही जाएगा, अंधा है, दिख ही नहीं पा रहा है, रूम से निकल चुका है गाइस वो। बेबी कॉफ़ी पियोगे क्या इस टाइम पे? हाँ तुम आए हो थोड़ा टायर्ड, इसलिए मैं बोला कॉफ़ी पियोगे? नहीं मुझे थोड़ा सा घर देखना है पहले। सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ कॉफ़ी पियोगे क्या थोड़ा सा? नहीं मेरा मन नहीं कॉफ़ी पीने का। क्यों? तुम ऐसे स्निफर डॉग की तरह क्यों घूम रहे हो? एक सेकंड। क्या हुआ? रुको जाओ। छूने के लिए मना कर रहे हो क्या तुम? एक सेकंड रुक जाओ। क्या कर क्या रहे हो तुम? मुझे देखना था थोड़ा घर। क्या देखोगे? मुझे क्यों लग रहा है कि कोई आया था यहाँ पे? मतलब एक सेकंड। अरे रुको, धक्का क्यों मार, मारपीट करोगे क्या मेरे साथ तुम? रुक जाओ। इधर इधर सुनो सुनो, इधर अब पहले एक अच्छा सा कॉफी पियो। नहीं मुझे कॉफी नहीं पीना अभी। रुको रुको, अच्छा सा कॉफी पियो। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या देख क्या रहे हो तुम, ढूंढ क्या रहे हो? सुराग। क्या सुराग? तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं। सुनो इधर इधर ये क्या है? ये क्या है? ये बेड के पास पड़ा हुआ है। अरे ये डिस्पोज है, तुमको तो पता ही है। तो पता है ये? अरे हवा में उड़ के आया होगा, रूम में हवा में उड़, इतना हवा चलता है तुमको तो पता ही है। ये यहाँ पे नहीं था। ये कहाँ था ये? ये कहीं और रखा हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसे फ्रंट पे सामने उड़ के नहीं आ सकता, ये हम हमेशा छुपा के रखते हैं। ये कैसे कहाँ? तुम्हारा दिमाग अभी गर्म है, तुम कॉफी पियो। मैं कोई कॉफी क्यों पीऊंगा मैं गर्म में, मुझे नहीं पीना है। शरबत पियोगे? नहीं। एक सेकंड। घर क्या रहे हो तुम? घर पे कौन आया था बोलो? कोई नहीं आया था। कौन आएगा घर पे? कोई आया था। तुम यही करते हो मैं जब नहीं रहता घर पे? कोई नहीं आया था, कौन आएगा? चलो चलो ये करते हैं, काम करते हैं, तुम कॉफी पियो। मुझे कॉफी नहीं पीना है। कॉफी के लिए वो कर रहा हूं। तुम्हारा कॉफी फेवरेट है? नहीं मुझे कॉफी नहीं पीना है। क्या पीना है तुमको? कुछ नहीं पीना है, बस तुम चुप रहो थोड़ा देर। फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? गाइस देखिए
ये कभी ऐसा नहीं करता है, कैसे मुझे मेरे पर कैसे शक कर रहा है। काम में गया था, अब मैं क्या करूँ बताऊँ, काम में जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। गाइस सब देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ देखने तो मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं करने दूंगा ना, वो देखने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी हो, तुमको ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम ये किसी और का हेडफोन, मुझे स्मेल भी आ रहा है किसी, वैसे मेरा परफ्यूम नहीं है या कुछ नहीं, ऐसे मुझे स्मेल आ रहा है कुछ। मुझे सुन कर देखो, तुम देखो। हाँ तुम ड्योड्री लगाए कहाँ गए थे फिर? तुम घर गया था मैं। तुम ड्योड्री लगा के, ये क्या है? कहाँ? ये इधर पे। ये क्या है? 86 क्या है यहाँ पे? तुम चोट लगा मुझे, क्या कहाँ क्या है, क्या है, क्या है बताओ मुझे, दिखाओ। तुमको नहीं पता चल रहा है क्या है? एक सेकंड में देख रहा हूँ क्या है। इधर मिरर मिरर देखते हैं क्या है, क्या है देखते जरा के आराम से। क्या है ये? वेट कहाँ? ओ ये, अरे ये मैं नोच रहा था ना, ये ऐसे तो नोचते नोचते ऐसा हुआ है। गर्मी बहुत ज्यादा, सिखा रहे हो क्या? गर्मी है बहुत ज्यादा, नोचते नोचते ऐसा हो गया सच में। मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा। अरे सुनो सुनो, नहीं मुझे नहीं सुनना। सुनो ना, क्या क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। अरे रुको, शिट, गेट बंद करते हैं गाइस। आप लोग अब ऐसे किसी दिन मैं मर जाऊंगा, किसी दिन आप ही लोगों के वजह से। गॉड बहुत सारा गुस्सा हो गया, धक्का दुख के मारा मुझे। थैंक गॉड ये नकली है, असली होता तो मैंने क्या होता। पीटर 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 गेट खोलो, पीटर 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 क्या कर रहे हो तुम? ओ गॉड आवाज़ें आ रही है, मेरे पास चाबी है, इसमें नहीं है। मेरा डुप्लीकेट चाबी कहाँ गया? क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना। किस लिए? तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे ये एलर्जी है सच में, ये एलर्जी है। तुम देखो अच्छे से देखो। नहीं मुझे तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। नहीं मुझे नहीं देखना। तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। मैं देख चुका जो मुझे देखना था। तुमने अच्छे से देखा ही नहीं। तुम ध्यान से तो देखो ये क्या है। नहीं तुम ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, अब देखो अच्छे से, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। हमें देख लिया, वो लव बाइट है। लव बाइट कौन देगा मुझे? मुझे नहीं पता। तुम मेरा शर्ट लेके क्यों जा रहे हो? अरे सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लव बाइट नहीं है, ये एलर्जी है। ये एलर्जी सच में? ठीक है तुम वीडियो बंद कर दो, ये एलर्जी है। तुम वीडियो बंद करो। वीडियो क्यों बंद करो? ये एलर्जी है सच में, ये एलर्जी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ये क्या है? तुम ऐसे क्यों किए? ये एलर्जी है सच में। नहीं तुम मुझे बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? कोई और आया हुआ था घर पे, तुमको ऐसा क्यों लगा? इतने सालों बाद तुम ये सब कर रहे हो? ये देखो एलर्जी है। नहीं मुझे नहीं देखना। गाइस यहाँ से निकलने के बाद बाथरूम में घुस चुका मुझसे, अब ये प्रैंक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। गाइस आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया पीटर, मैंने कभी उसको ऐसे नहीं देखा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा बैग पैक करके वो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। आप लोग अब ऐसे किसी दिन मेरा ब्रेकअप होगा, किसी दिन मैं मर जाऊँगा, आप लोग तब खुश हो जाना। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं आप लोग, इसी से खुश हो जाना। मैं कन्फ्यूज स्टेट में हूँ, मैं हंसू या मैं दुख करूँ, क्योंकि पीटर दुख मनाऊँ क्योंकि पीटर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बाथरूम में लॉक है, इसमें जाता हूँ, मैं देखता हूँ। पीटर 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 खोलो, देखो एक बात करूंगा फिर उसके बाद तुम चले जाना घर। तुमको जाना है, तुम चले जाना, तुम खोलो दैट लिस्ट। क्या हुआ पीटर, रो रहे हो तुम? आई हैव डन सो थिंग्स फॉर यू, मैंने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ये सब कर रहे हो। अच्छा रो मत रो मत। अच्छा सुनो सुनो प्लीज गो। सुनो सुनो सुनो, ये झूठ है, ये झूठ कर रहा था मैं। अरे ये प्लीज गो, ये एक्टिंग है, नाटक है। देखो देखो ये देखो ये देखो, उठ भी नहीं रहा है ये तो। नो प्लीज गो, यू गो प्लीज। ये नहीं रुको, मैं तुमको मैं वेट टिश्यू ला के दिखाता हूँ। गाइस ये तो उठ भी नहीं रहा है मेरे हाथों में, कहाँ गया वेट टिश्यू मेरा? पीटर रुको, मैं देखो, मैं बोल रहा हूँ मजाक था, ये मजाक था। ये देखो टिश्यू में कुछ है, देखो देखो तुम देखो, जस्ट गो, तुम देखो टिश्यू में कुछ है, टिश्यू में कुछ है, देखो अब देखो 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 अब देखो देखो अब देखो, इधर देखो तुम, देखो देख रहे हो तुम, अब देखो इधर कुछ है, देखो अब गले में कुछ है, देखो मेरे मेरे गले में कुछ दिख रहा है तुमको, देखो उतर आया है,
ये मजाक था, प्रैंक था तुम्हारे साथ। बारह गाइस, आप लोगों ने रुला दिया पीटर को, आप लोगों ने बेबी को रुला दिया। ये एक्टिंग था, प्रैंक था, तुम इतना क्यों सीरियस हो गए? ये मजाक था, देखो कुछ नहीं है, देखो देखो कुछ है नहीं कुछ है। फिर तुमने ऐसे क्यों किया? ऐसे ही, अरे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि एक प्रैंक वीडियो करो, तो पीटर लोगों के लिए ऐसा करोगे? I'm so sorry. अच्छा अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। वैसे भी अप्रैल फुल था, तुमको मैंने अप्रैल फुल बनाया। तुमको मैंने अप्रैल फुल बनाया, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग इसलिए तो कर रहा था गाइस, ठीक है इसको बंद करो अभी। तो गाइस माहौल तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, इसीलिए मैं पीटर को कुछ ट्रीट देने के लिए लेके जा रहा हूँ, कॉफ़ी चाय पीने के लिए। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था वो, बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे अभी भी कि मैंने उससे ऐसा प्रैंक किया और वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अभी वो वीडियो में आने के लिए मना कर रहा है। ये रहा देखो, आगे आगे जा रहा है, तो उसको ले जाकर कहीं पर चाय पिलाऊंगा उसकी फेवरेट जगह पर, तो उसके साथ शायद खुश हो सकता है। चलो चाय मिल गया तुमको, खुशी मिली, गुस्सा शांत हो गया। अब बोलो लोगों को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। और दोबारा कभी मत बोलना प्रैंक करने के लिए, दोबारा कभी मत बोलना प्रैंक वीडियो लाने के लिए।